दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन बाय जितेंद्र सर को और बेल आइकन को प्रेस कर दें डेली अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 22 मई का करंट अफेयर जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में COVID-19 के सभी संक्रमण मामले ठीक होने के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। चार ऑप्शन दिए थे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से लोगों ने सही राइट आंसर दिया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताइए। फ्रेंड हर प्रश्न के लिए आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन पढ़ के इसका राइट आंसर बताइए। फ्रेंड चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताना है फ्रेंड इसका आपको। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन पढ़ के। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिलीप उमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? ये भी 21 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर्स बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है फ्रेंड आपके पास, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विवाद के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन पढ़ के। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर भी 21 मई ही होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, इसका नाम है, क्या नाम है फ्रेंड? चार ऑप्शन है, उसका राइट आंसर बताइए ऑप्शन पढ़ के। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद राजुलु चिंटला। फ्रेंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका मैं राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सभी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करें। थैंक यू।